ये है अंडा और बेसन का एक सिंपल सा करी। एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंदना डेली ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हो। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो मैं बाबू को स्कूल से लेके आ गई हूँ। बाबू का आज एग्जाम है और कल एग्जाम है। कल के बाद एग्जाम ख़त्म, स्कूल थोड़ा दिन के लिए खोलेंगे, फिर क्रिसमस का बंद देंगे बाबू लोग का। तो मैं आज आप लोगों के साथ ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोग बोर भी हो जाते होंगे ना। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ आज एकदम नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करो, जो कि आज हम लोग लंच में खाने वाले हैं, लंच में बनाने वाले हैं दोपहर के लिए। और वो रेसिपी इतना आसान है, तो आप लोग बहुत इजीली आराम से घर पे बना सकते हो। चना और अंडा का रेसिपी है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो चलिए मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा हुआ है। आप लोग भूल जाते हो कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हो। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कैसा हुआ है रेसिपी, चलिए अभी शुरू करते हैं लंच की प्रिपेयर। क्या बना हूँ बेसन की, ये बेसन और अंडा की रेसिपी बनाने के लिए मुझे चाहिए बेसन 1 कटोरी, 2 अंडा, टमाटर, लहसुन और अदरक की थोड़ा सा कली, प्याज, बादाम और काजू, हरा धनिया, तेजपत्ता, जीरा। तो आइए शुरू करते हैं। और इसके अलावा हमको चाहिए थोड़ा सा दही 3 बड़े चम्मच, और यहाँ पे है मसाले। तो आइए शुरू करते। और एक पैन में मैंने थोड़ा सा घी निकाला था, तो उसी पैन में हम लोग सब्जी बनाएंगे। देखिए थोड़ा सा तेल डाल दिया है मैंने। तो यहाँ पे मैंने जो प्याज काट के रखा था, क्योंकि इनको पेस्ट करना है, तो इसीलिए मैं छोटा नहीं की हूँ। थोड़ा सा ऐसे फ्राई करेंगे हल्का कलर चेंज होने तक। और कलर चेंज होने में हम लोग दे दिया है काजू और ये बादाम, मूँगफली नहीं है, जो बड़े बादाम आलमंड है। तो यहाँ पे दे रही हूँ अदरक लहसुन की कली भी मैंने दे दिया है तेल में फ्राई होने के लिए, क्योंकि इनको पेस्ट करना है और थोड़ा सा कलर चेंज होना है। कलर चेंज होने में हम लोग डालेंगे टमाटर, और थोड़ा सा मैं ढक के पकाऊँगी, क्योंकि ढक के नहीं भी पका सकते हो, लेकिन मैं ढक के थोड़ा सा पकाया। देखिए कलर चेंज हो गया है प्याज का। और यहाँ पे मैंने 1 बड़े टमाटर दे दिए हूँ। पहले मैं टमाटर नहीं डाली हूँ, क्योंकि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो टमाटर को भी अच्छे से मैं एक बार पकाऊँगी थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए, जल्दी हो जाए। और देखिए यहाँ पे हो गया है, मैंने गैस बंद कर दिया है। और ये जो प्याज टमाटर का मिक्सचर है, तो ये मैं एक ग्राइंडर जार में रख दूंगी, ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। आराम से मैं पेस्ट करूँगी ठंडा होने के बाद। तो हम लोग अभी यहाँ पे बेसन ले लेते हैं। मैंने बेसन ऐसे बड़े चम्मच से 4 चम्मच लिया है, 2 हो गया यहीं पर। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने 4 चम्मच बेसन ले लिया है। एक कटोरी में 4 चम्मच ही था, थोड़ा ज़्यादा था। और यहाँ पे मैं ये 2 अंडा मिक्स कर दूँगी, पकोड़ा जैसे बनाते हैं ना, वैसे ही मिक्स करना है सबको। मैं सब नहीं डाली हूँ, बस 2 अंडा और बेसन को अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। अंडा डाल दिया है 2 अंडा, और अभी हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, फिर इसमें डालूँगी थोड़ा सा धनिया पाउडर, और अभी थोड़ा सा हम लोग मिलाएंगे यहाँ पे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर मिलाने के बाद 1 स्पून से हम लोग अच्छे से मिक्स करूँगी, जैसे पकोड़ा बनते हैं ना, वैसा ही सेम प्रोसेस है। तो पहले मैं अच्छे से सबको मिक्स कर ले रही हूँ, ताकि सब अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि पकोड़ा भी हम लोग का सॉफ्ट बने। और ये ना पकोड़ा आप लोग चाय के साथ भी बना के खा सकते हो, लेकिन मैं सब्जी बना के खाऊंगी। वैसे भी अच्छा लगता है, कितना पकोड़ा ऐसे चाय के साथ ही खाएंगे ना, कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए। तो इसीलिए मैं सोचा कि ये रेसिपी बनाऊँ। और ये रेसिपी हम लोग के घर पे बहुत बनता है, क्योंकि जल्दी हो जाते हैं। देखिए स्पून के मदद से मैंने मिक्स कर लिया है, अभी मैं हाथ से करूँगी, क्योंकि स्पून उतना अच्छे से नहीं हो रहा था, बस मैं मिक्स करने के लिए किया। अभी हाथ से अच्छे से उसको मिक्स कर लूँगी, और पकौड़ा जैसे इनको फ्राई करना है।
और यहाँ पे देखिए तेल गरम हो गया है हमारे पकोड़ा तलने के लिए। और देखिए मैं एकदम छोटा छोटा करके पकोड़ा करना है, क्योंकि सब्जी में ऐसे पकोड़ा डालने से थोड़ा सा फूल जाते हैं पकोड़ा, सॉफ्ट हो जाते हैं, इसीलिए मैं छोटा छोटा करके बना रही हूँ। और ये मैं ऐसे रख के मम्मी को दे के जा रही हूँ, क्योंकि स्कूल का टाइम हो गया था, मैं बाबू को स्कूल से लाने गई तो ये पकौड़ा मम्मी बनाई है। मैं ऐसे फ़ोन सेट करके गई थी मम्मी को, और फिर बोला बस आप पकौड़ा बना लो, फिर आके मैं बनाऊंगी। तो देखिए अच्छे से पकौड़ा बन गया है हम लोग का, ज़्यादा टाइम एकदम ही नहीं लगता है, जैसे वो बेसन के पकौड़े में लगता है, इनको इसमें तो और भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी पक जाते पकौड़ा भी। पकौड़ा मैंने निकाल के यहाँ पे तेल गरम होने के देखने के लिए तेज़पत्ता डाल दिया था, थोड़ा सा गरम होना था। और यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा जीरा डाल दी हूँ, कुछ अलग नहीं डालूँगी, बस तेज़पत्ता और ये जीरा भून रही हूँ। और मैं आप लोगों को पकौड़ा दिखाना भूल गई थी जो पूरा हो गया था, देखिए कितना अच्छा पकौड़ा बना है। और सूखा सूखा खाने में इतना अच्छा लग रहा था ना, मैं दो तीन ऐसे ही खा लिया, मम्मी बोल रही थी सब्जी के लिए रख तो नहीं खाई। और देखिए यहाँ पर मैंने पेस्ट भी कर लिया है जो ठंडा होने के लिए रखा था, मैंने पेस्ट करके रेडी करके रखे हैं ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। बहुत जीरा और तेज़पत्ता मैंने भून लिया है, और अभी मैं डाल रही हूँ ये पेस्ट जो कि प्याज टमाटर और काजू बादाम की पेस्ट है। काजू बादाम सब्जी में देने से और ये सभी टेस्ट लगता है, और ये सब्जी इतना टेस्ट बनते मैं क्या बताऊँ। देखिए ऐसे फ्राई करना पड़ेगा थोड़ा सा, थोड़ा टाइम पहले फ्राई करना पड़ेगा, सब सब्जी में फ्राई करना ज़रूरी होता है, जितना फ्राई करते हो आप लोग उतना टेस्ट आते हैं। और देखिए यहाँ पे मसाले की घोल भी अभी दे दूँगी, क्योंकि मसाला भी पकना है, यहाँ पे जीरा पाउडर है वो सब भी पकना है। यहाँ पे आज हम लोग थोड़ा सा मसाला यूज़ कर रहे हैं, मसाला उतना नहीं कलर आ रहा है हल्दी का, हल्दी मम्मी ने डाला है, और जीरा धनिया हल्दी का ऐसे घोल बना लिया है। ऐसे घोल बनाने से क्या है ना, सब्जी का कलर भी अच्छा आता है, टेस्ट भी अलग आता है, ऊपर से ऐसे डालोगे ना उतना स्वाद नहीं आता है। और देखिए मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, नमक कम डाल रही हूँ क्योंकि हम लोग नमक कम खाते हैं। और यहाँ पे अच्छे से मसाले पक गए हैं, यहाँ पे हम लोग अभी डालेंगे दही 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच, बस 4 ही चम्मच हमने दही डाला है। और आप लोग को ये मैं बताना चाहती हूँ कि मसाले को अच्छे से पकाने के बाद ही दही डालिएगा, क्योंकि नहीं तो मसाले फट जाते हैं दही से। देखिए मैं थोड़ा सा ढक के भी पका रही हूँ, ढक के पकाने के बाद मसालों से तेल छोड़ना शुरू होते हैं, क्योंकि तभी पता चलता है कि मसाला अच्छे से पक गया है। और आप लोग देख सकते हो कि मसाला अच्छे से पक गया है, ढक ढक के मैं थोड़ा टाइम के लिए पकाई ताकि अच्छे से मसाला पक जाए और अच्छा सा एक टेस्ट आए। तो आप लोग देखिए मसाले से तेल छोड़ रहा है, तो छोड़ने के बाद हम लोग यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा पानी। यहाँ पे मेरे मसाला अच्छे से पक गया है, तो यहाँ पे देखिए मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ, और 1 गिलास पानी डालने के बाद देखूँगी और मुझे पानी चाहिए कि नहीं। पहले मैं 1 ही गिलास पानी डाल रही हूँ, देखती हूँ कितना होता है, क्योंकि इसमें मुझे पकौड़ा भी डालना है, पकौड़ा डालने से ऐसे भी सब्जी कम हो जाएंगे, पानी सूख लेते हैं, तो सारा अच्छे से मिक्स करने के बाद ही पता चलते हैं, तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा। तो देखिए मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ ताकि मैं आराम से पकौड़ा डाल सकूँ। यहाँ पे मैंने पकौड़ा भी ऐड कर दिया है, क्योंकि पकौड़ा थोड़ा सा फूलना है, ज़्यादा पानी सूखने के बाद डालूंगी तो बचेगा ही नहीं, तो इसीलिए पकौड़ा भी डाल दी हूँ। पानी डालने के बाद थोड़ा सा उबाल आने के बाद पकौड़ा डाली हूँ, जितना भी पकौड़ा था बस 2-3 मम्मी ने रख दिया था बाबू के लिए, इसीलिए जितना था डाल दिया है अभी। और डालने के बाद थोड़ा सा हम लोग इनको ढक के पकाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने बस थोड़ा ही ढक के पकाया, ज़्यादा नहीं पकाया, तो इसीलिए मैं उतना नहीं दिखाया। और यहाँ पे मैं एक बॉल में निकाल रही हूँ हम लोग दोपहर को खाने के लिए पैन से। देखिए ग्रेवी भी उतना अच्छा बना है, और ये पकौड़ा भी थोड़ा थोड़ा से फूल गया है। और ये रहा मेरा आज का बेसन और अंडा का रेसिपी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा हुआ है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ये रेसिपी वो लोग भी बना पाए, फ्रेंड्स लोग भी बना पाए। और देखिए ऊपर से मैं थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ, घी डालने से स्मेल अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो ये है आज की रेसिपी का फाइनल लुक। Thank you.
Thank you.